वे टू मलाना प्लेस मलाना गांव के लिए ठीक आ जाओ। ओके ब्रो, तो यहाँ से हम ट्रैक स्टार्ट करेंगे और जो सामने दिख रहे वो मौलाना विलेज है, तो वहाँ तक हमें जाना है। हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम एक घंटे के अंदर हम ट्रैक करके पहुँच जाएं। लगभग 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। हम बहुत बार आए लेकिन इस बार हम ट्रैक करके जाएंगे आगे तक। रास्ते पूरे खतरनाक भी हैं, चढ़ाई भी है। तो दो यात्री चल पड़े हैं साथ में स्पीकर लेके। बिल्कुल हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल चल पड़े हैं। 11 बजे स्टार्ट किया है नेट। सही 11 बजे ना? हाँ देखते हैं इन्होंने, जैसे हम टैक्सी बुक करके हैं तो टैक्सी वालों ने हमें बोला है कि 4 घंटे का टाइम है जाने और आने का। जैसे मान के चलो 1 घंटा जाने में लगता है, 1 घंटा आने में लगता है, 1-1.5 घंटा आप घूम सकते हो। तो हम कोशिश करेंगे हम जल्द से जल्द पहुँचें। अभी तो सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, उतरना आसान है, चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे बहुत सारे कैफे वगैरह भी बने हुए हैं, आप चाय पानी नाश्ता कुछ भी कर सकते हो इधर। यहाँ के स्टे के तो ऑप्शन कुछ नहीं है। उतरना आसान है, चढ़ना आसान है, उतरना आसान है, चढ़ना आसान है, उतरना आसान है, चढ़ना तो बहुत मुश्किल होता है हाइट पे जाना। अब यही सीढ़ियां अपने को वापस चढ़नी पड़ेगी, तब क्या होगा? तब बड़ा मजा आएगा, बैठे बैठे चढ़ेंगे। महादेव की नगरी, महादेव की नगरी में जाना इतना आसान तो नहीं है ना। ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रैक है। फाइनली हमें भी मौका मिल चुका है। हम ऐसे गांव में जा रहे हैं जहां इंडिया का कानून भी लागू नहीं होता, तो हमें जरूर देख के आएंगे इससे जी कि ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी चीज़ है, इनके पास स्पेशल क्या है ऐसा कि जहाँ कोई भी कानून भी लागू ना हो। अभी फिलहाल कैफे वगैरह काफ़ी बंद ही है ना? नहीं, ये तो किसी के घर है या किसी के चाय पानी के, बस छोटे छोटे कैफे हैं यहाँ, कोई बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं आता है, कोई हिम्मत वाला ही आता है। यार इनके जीवन यापन मुश्किल ही होता होगा ना? ये लोग बहुत खुश रहते हैं ये यहाँ के एनवायरनमेंट से, चीज़ों से। बस ये है कि इनके पास प्योर ऑक्सीजन है, शुद्ध पानी है, शुद्ध वातावरण है और शुद्ध ही खाना है, खाना पीना रहना। अब रहने में थोड़ी दिक्कतें हैं इनके। ओ माई गॉड, वहाँ जाना है अपने को, कैसे जाएंगे? जाके फिर ऊपर लेके जाओ। अभी ये अपने जितना उतरना आसान है इतनी देर उतरे अपने, और वो फिर वापस उतरना चढ़ना भी है। चलो तो फिर उतरते वक्त पैर थोड़े जल्दी रखें, टाइम बचेगा अपना। मेरे को लगता है अपने स्पीड से चलेंगे तो आधे घंटे में ट्रैक कर ही लेंगे अपने। नहीं अभी हम उतर रहे हैं ना तो आसान लग रहा है। ये नीचे वाले रिवर, ये ब्रिज आ गए, इस ब्रिज से क्रॉस करके जाना है। फिसलन बहुत है, पत्थर फिसलने वाले हैं बहुत आराम से। ओ माय गॉड, बहुत खतरनाक रास्ते आ गए हैं।
वो तो गाड़ियाँ टूटी पड़ी है नीचे, जेसीबी भी है। तो यहाँ से ये ट्रैक स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम जहाँ से आए थे सामने से, तो अभी हम सिर्फ नीचे उतरे हैं। उतरने के बाद यहाँ कैफे वगैरह नहीं, रिवर पे बहुत ही सुंदर नज़ारा है। रिवर का भी बहुत सुंदर लग रही है। तो यहाँ से पहले तो सिर्फ उतराई थी, अब हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। और ये निकलता, ये रास्ता जाएगा उस पहाड़ी पे, एक पहाड़ी दो पहाड़ी पार करके निकलना पड़ेगा। चलते हैं, करते हैं शुरुआत लेके भोलेनाथ का नाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कम से कम 20 मिनट हो गए हैं और वहाँ से लेके बहुत खतरनाक रास्ता, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है, तो हमारी थकने की हालत हो गई है। लेकिन फिर भी हम जाएंगे आगे भी, और ट्रैक अभी भी कंप्लीट करना है। अभी मेरे को लगता है आधा ट्रैक तो हम कर चुके हैं, आधा अभी बाकी है। ट्रैक बहुत मुश्किल हो गया। कितनी देर, 15 से 20 मिनट धोए गए होंगे अपने को, 15 से 20 मिनट धोए गए होंगे। चलिए चलिए, यहाँ पे कुछ एक पैचेस तो इतने बड़े बड़े पत्थर हैं जिनको पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हमें मोटिवेट कर रहे हैं। तो फाइनली अभी थोड़ा ट्रैक बचा है, हमें 1 घंटा हो चुका है और भी मलाना गाँव स्पष्ट रूप से देखने लग गए हमें। एक कुछ देर प्लेन आया, बाकी तो सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियाँ चढ़ना ज़्यादा मुश्किल होता है प्लेन एरिया से। इस ट्रैक में मान के चलो कम से कम 1.5 घंटा लगता ही लगता है। लोकल लोगों की बात अलग है, अपने लिए 1.5 घंटा लगता है। अभी बस ये रास्ता तो पहाड़ी छोड़ के सीधा विलेज में, और हमारी हालत ही हो चुकी है। हम कम से कम ही मान कर 1.5 किलोमीटर तो चल चुके होंगे। हाँ, अभी किलोमीटर और बचा है लगभग, नहीं कमी है। और रास्ते देखो, वो नीचे वाले रास्ते ऐसे ऐसे, वो रास्ते हैं, वो रास्ते आते हैं नीचे से मलाना के लिए, कसोल साइड से उधर आते हैं ना, जरी विलेज था ना वो, जरी विलेज से ये रास्ता आता है। और आपको इस पहाड़ी के जब बैक साइड में वहाँ तक गाने छोड़ देती है, उसके बाद वो नीचे ये कौन सी के लिए। ऊपर रोड है नीचे किस साइड, मेरे को नहीं दिख रही ये रास्ता। ऊपर से ज्यादा पता नहीं लगता कि हैंगिंग क्लिप है नीचे, कितनी गहराई है यार, सारे मतलब एज पे बनी हुई है ये रोड। नहीं है भी कितने मोड़, कितने भी आंदे लास्ट में पे ही जाना पड़ेगा अपने को, तो डर यहाँ से पता लगा है तो डर लगेगा, पता लग रहा है तो डर ज़्यादा लगेगा। लेकिन यहाँ लोकल लोग है ना, बड़ी जल्दी कवर कर लेते हैं इसको,
लोकल लोगों के लिए मान के चल कि पौना घंटा मुश्किल से लगता हो इनको, लेकिन हमारे जैसे इंसान जो कभी बेड से उठ के भी नहीं जाते, कहीं बाहर दूध लेने जाना पड़ता तो भी बड़े मुश्किल हो जाता है, और वो आदमी इतनी दूर ट्रैक करके आ गया, और ये अम्मा है हमारे पास ट्रैक में कंपटीशन कर रखा है कि कौन पहले जाए, तो अम्मा हमसे जीत रही है। मलाना में ये मलाना की एंट्री है, इसे जस्ट एंट्री करने से पहले मलाना का ये हाल देखने को मिला है, सारी चारों तरफ कचरा ही कचरा। अब हो सकता है टूरिस्टों ने फैलाया हो सकता है लोकल लोगों ने, पर इतनी गंदगी कहीं नहीं देखी मैं जितनी यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा है। 3 किलोमीटर ट्रैक करने के बाद ये दिख रहा है सबसे पहले हमारे लिए मुश्किल है रास्ता, कहूँ मार मत देना बस और कुछ नहीं है, बड़े प्यार से आप हमसे आगे क्रॉस कर सकते हो, हम आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं करेंगे, कहीं इसे मारे उसी दर नीचे जाके गिरे। इनसे पूछ लेते हैं जो ऊपर से भैया आ रहे हैं ना, भैया जी कैफे कितना दूर हो रहा है? कैफे 5 मिनट मात्र। इस साइड ही है ना, सही जा रहे हैं हम। यहाँ के पशु भी बहुत समझदार हो गए हैं, देखो गाय को भी पता है किस रास्ते से यहाँ से जाना है। घोड़ों के द्वारा सामान लाया जाता है ऊपर, लकड़ियाँ हो गई, ईंटें हो गई, सीमेंट हो गई, कुछ भी नीचे सामान लाना हो तो घोड़ों को दो पे लाद के लाया जाता है। हर तरफ गंदगी गंदगी है, बहुत गंदगी है। नेटवर्क के लिए टावर भी है, कोई नेटवर्क का भी इश्यू नहीं है। लेकिन देखो अगर ऑनेस्ट रिव्यू पूछे ना हमसे, तो जो उम्मीद करके आए थे ना वैसा हमें कुछ अच्छा लगा नहीं है। बाकी ट्रैक करो, नई चीज़ें देखने को है, पर इतना ट्रैक करके और आप जो उम्मीद करो वो ना मिले ना तब अच्छा नहीं लगता। ऊपर हाँ, और इस पे लिखा हुआ है देखो एक चीज़, मत कराओ हमसे कसरत और कमाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी तो हमको करनी है पढ़ाई, इस मत करवाओ हमसे कसरत और कमाई। मतलब ये है कि छोटे बच्चे छोटे बाल मजदूरी के लिए लिखा हुआ है कि हमसे कसरत वगैरह नहीं करवाओ। काम लग रहा है मुझे कैफे वो ये ना।